तो हमारी दो टीमें हैं, गरीब और अमीर। मैं हूँ क्रिस्टी गॉर्गन और आप हैं गॉर्गन गेम्स के बीच में। मुझे ऐसी मदद तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अच्छा है। रियल, तुम्हारा दिमाग खराब है, सारे पैसे पानी में फेंक दिए तुमने। क्योंकि पैसा तिजोरी में रखना चाहिए, इस बदसूरत बैग में नहीं। पैसा ही पैसा होगा। टीना, हमारी तो किस्मत चमक गई। साला मेरे सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने। पहले ही ले लिया। ये हमें दे दो। क्या, ये हमारा पैसा है, इकट्ठे हो गए तो हमें वापस दो। नहीं, हाय, झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम आखिर हो कौन? मैं एलिस हूँ। तो क्या तुम जानना चाहते हो ये पैसा किसका है? ये क्लियर है कि ये हमारा है। मैं और मेरा भाई अमीर हैं और ये भिखारी हैं। तुम बीच गेम खेल सकते हो और 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। 10 गुना ज्यादा? हम तैयार हैं। हम भी। एरियल, ये क्या बोल रही हो? क्यों नहीं, ये मजेदार होगा, हमें इन बेवकूफों को हराना होगा। बढ़िया, तुम एक और फ्रेंड चुन सकते हो और वो गेम में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्रिस को चुनते हैं। और किटी हमारे पास। शानदार, पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? और मैं चुपचाप बैठा बैठा कूड़ादान छाने जा रहा था। हेलो पार्टिसिपेंट्स। हेलो, मैं हूँ क्रिस्टी गॉर्गन और आप हैं गॉर्गन गेम्स के बीच में। क्या है ये? चुप रहो किटी, सुनो। तो हमारी दो टीमें हैं, गरीब और अमीर। जो जीतेगा उसे पैसा मिलेगा और जो हारेगा वो पत्थर बन जाएगा। क्या बकवास है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। देर हो गई, अब तो खेल शुरू हो चुका है। हम मुसीबत में हैं। और हमें क्या करना है? 5 मिनट में फिनिश लाइन तक पहुँचो। जब तक मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ तुम हिल सकते हो। जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगी तुम रुक जाओगे, वरना तुम पत्थर के बन जाओगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ तो काम करो, चलो निकल ले। ठीक है। जल्दी, वो साला हमसे आगे निकल रहा है। मैं अपने सामान को फेंक दूंगा। क्या बकवास है, और ये हमारी पहली मूर्ति। चलो इसे ले जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, समझ गई। चलो कंटिन्यू करो, चलो भागे वरना हमें झाग की तरह ले जाएंगे। हमने कर दिया। मेरा भाई। तुम्हारे भाई के लिए दुख है, लेकिन तुम उसे अगले गेम में बचा सकती हो। अगली गेम से तुम्हारा क्या मतलब? मुझे लगा यही आखिरी है। ना समझ, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें बहुत सारे टेस्ट पास करने होंगे। ये सही नहीं है। क्या नहीं, तुम खेलने के लिए तैयार थे तभी तो यहाँ आए थे। क्या हमें रस्सा कशी करनी पड़ेगी? यहाँ बकवास, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ दोस्तों, क्या आपको याद है कि किस फिल्म या सीरीज में ऐसी गेम थी? नीचे कमेंट में लिखकर हमें याद कराएं। यहाँ रुके क्यों हो, चलो शुरू करो। रुको, तुमने वादा किया था मैं अपने भाई को बचा सकती हूँ। बिल्कुल। जैक! अरे वो हिल क्यों नहीं रही होता? क्योंकि वो पत्थर बन गया है। अच्छा शांत रहो। तो जो भी टीम जीतेगी या तो वो अगले गेम के लिए बोनस ले सकती है या फिर कैदी को रिहा करा सकती है। यस, बोनस हमारा होगा। अपने जैक मनी बैग को भूल जाओ चुड़ैलो। हम जीतेंगे। हमारी टीम बड़ी लूजर है। शांत रहो, शुरू करो। खींचो, चलो इन अमीरजादों कीचड़ में डाल दे। चलो एरियल, हमें जैक को बचाना होगा। खींच रही हूँ, मेरा मैनी क्यूर बर्बाद हो रहा है। बस थोड़ा सा और दोस्तों। एरियल, बाहर में जाओ, मेरा मैनी क्यूर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीत गए।
बधाई हो गरीब टीम, अब तुम अपना इनाम चुन सकते हो। पक्का एक बोनस। फैसला टीना करेगी। मैं? तो तुम क्या चुनोगी, कैदी को बचाना या बोनस? बोनस बोनस बोनस। जैक को बचाने के लिए। क्या? चॉइस हो चुकी है। भाई। दूर हट जाओ मुझसे, मैं हार गया और तुमने मेरी मदद भी नहीं की। मैं जा रहा हूँ अब उनकी टीम में। कल बदल गया है, खेल और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एरियल तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से जैक गरीब टीम में है। चुप रहो, हमें खेल से पहले यहाँ आराम करने भेजा गया है, इसलिए परेशान मत करो। तुम मजाक कर रही हो क्या, गरीब टीम में चार लोग हैं और हम सिर्फ दो, हम हार जाएंगे। तो क्या, हम पहले से ही अमीर हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, और हारने वाले पत्थर बन जाएंगे, उसका क्या, तुमने सोचा उसके बारे में? मुझे पत्थर नहीं बनना। ऐ सुनियो, बुरी मत मानियो। क्या कर रहे हो तुम? खाना चबा रहा हूँ, सिगरेट है। बाहर निकल जाओ यहाँ से। किटी रुको, तुम इतने हैंडसम और स्मार्ट लड़के को क्यों भगा रही हो? मेरी बात कर रही है क्या? बिल्कुल। एरिया, तुम क्या कर रही हो? मुझे परेशान मत करो, हमें टीम में किसी और की जरूरत है। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे दोस्त तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ? बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं अच्छा हूँ। बहुत बुरा, तुम सच में बेस्ट हो, काश हमारी टीम में तुम जैसा कोई होता। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। सच में? शानदार। भला तुमने उसे क्यों बचाया, अगर हम जीत जाते तो हमें बोनस मिल जाता। हमें नहीं पता किस तरह का बोनस था, लेकिन अब हमारी टीम में चार लोग हैं और हम पक्का उन अमीर लड़कियों को हरा देंगे। ओह, तुम पहले ही यहाँ हो। शाबाश दोस्तों, हमारे पास फिर से बराबर की टीमें हैं। इनका तीसरा खिलाड़ी कहाँ से आ गया, ये तो सिर्फ दो ही थे ना। नहीं, हमारे पास तीसरा खिलाड़ी भी है। तू साले उनके साथ है? और क्या, वे बहुत अच्छे हैं। गद्दार। मुझे झगड़े बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब रूल्स पर आते हैं। तो अब हर एक टीम के एक पार्टिसिपेंट को दूसरे से ज्यादा तेजी से पुल के दूसरी ओर तैरना होगा। मेरे लोग तुम पर नजर रखेंगे, इसलिए धोखा देने की सोचना भी मत। पहले है टीना और एरियल, तो चलो शुरू हो जाओ। एरियल, 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 टीना। ये! मैं जीत गई! नहीं, ये सही नहीं है। गॉर्गन ने मुझ पर सांप फेंके थे। हाँ, तुमने कहा था कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ये तो तुम्हारे लिए है, मेरा खेल मेरे नियम। तो अब जाएंगे किटी और टायलर। शुरू करो। हमें जीतना ही होगा। मैं कुछ सेटिंग करके आता हूँ, ठीक है? सुनो एलिस, मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? हाँ। ध्यान रहे, टायलर ही जीते, ठीक है? टायलर हारना नहीं चाहिए, ये लो। समझ गई। लूजर। किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। दोबारा बता कौन है लूजर? हाँ। तो विनर है टायलर। अब जाएंगे जैच और क्रिस। बहुत अच्छे जैक, मुझे तुम पर यकीन है। परेशान क्या हो रही हो, हरा दूंगा उसको मैं। हे, देखो क्रिस, जीतना नहीं चाहिए, ये लो पैसे और जो बोलता हूँ वो करो। आसान है। ओ, क्या बकवास है यार ये। अब वही पड़े रहे। हुर्रे, मैं जीत गया। बिल्कुल नहीं,
मैंने तो स्टार्ट बोला ही नहीं था तो जैज और क्रिस दोनों हार गए। लेकिन मिस्टर गॉर्गन इसका मतलब ड्रॉ हो गया। ड्रॉ? कोई बात नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। बेवकूफ गॉर्गन, मूर्ख भिखारी। लेकिन जैज ने उनकी हेल्प क्यों नहीं की? तेरा भाई है ना वो? वो नाराज हो गया कि मैंने उसे नहीं बचाया। और अगर तुम दोबारा हार गए तो मैं गॉर्गन से कहूंगी कि तुम्हें पत्थर में बदल दे। शानदार डिनर। एव, मुझे ये नहीं खाना है। ये लो, हमारे लिए कुछ और लेकर आओ। नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। लेकिन तुमने पैसे के लिए जैक की मदद की। हाँ, और फिर मैं इसके लिए मुसीबत में पड़ी तो जो तुम्हें दिया गया है वही खाओ। बहुत बढ़िया, पफूंदी लगी रोटी तो बढ़िया है, पेल के चाप के खाइयो, ठीक है? हाँ, उससे तो बेटर ही है। लेकिन ये काफी नहीं है। क्रिस, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? हाँ। तुम नहीं चाहते कि मैं भूख से मर जाऊँ, क्या तुम दूसरी टीम से खाना चुरा कर मेरे लिए लाओगे? आओ। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। ठीक है। टीना, टीना, ओए। क्या चाहिए तुम्हें? इस अमीर आदमी को घूरना बंद करो। मैं घूर नहीं रही हूँ। सुनियो, मैं भी जान हो सकता हूँ। हमने कहा दफा हो जाओ। मैं चिल्लाऊं मत यार, खाना मांगने आया था भाई साहब, प्लीज दे देना। बाहर में जाओ और हमारे कमरे में वापस मत आना। अच्छा, ऐसे नहीं दोगे? प्यार से नहीं देना चाहते? खुद ही ले लूंगा मैं, चलो। अबे तेरी, मेरा खाना ले जाएगा। उसके पीछे मत भागो, गॉर्गन या उसके लोगों ने जाल बिछाया होगा तो फिर क्या होगा? वो साला मेरा खाना लेकर गया, अब क्या? तुम ये ले सकते हो, मेरा पेट भर गया है। क्या सच में खा लूं? शुक्रिया। और टीना, हमें बात करनी चाहिए। अरे मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रही है ये बता। पहले उसको पत्थर बनने से बचाया, अब उसको खाना भी दे रही है। तुझे वो पसंद तो नहीं आ रहा? हा? नहीं, मैं हमें बस एक पार्टिसिपेंट चाहिए था और खाने के बारे में मुझे सच में भूख नहीं है। मुझे झूठ बोलना बंद कर, वो कभी किसी गरीब लड़की को डेट नहीं करेगा, समझी? तुम क्या जानते हो, वो एक अच्छा लड़का है। तो तुझे वो पसंद है ना? हाँ, तो क्या मैं नहीं कर सकती? तू बेवकूफ है, वो तेरा बस इस्तेमाल कर रहा है इस गेम को जीतने के लिए। सोचो तुम क्या चाहते हो, लेकिन हाँ, मैं खुश रहना चाहूँगी। क्या जग रहा है, मैम को तो बताना पड़ेगा ये। आपका कॉकटेल मैडम। हाँ। बहुत टेस्टी है, काश तुम खेल भी वैसे ही करा पाती जैसे कॉकटेल बनाती हो। लेकिन सब बढ़िया है। बढ़िया? एक भी पार्टिसिपेंट अभी तक मूर्ति नहीं बना है, तीन गेम पहले ही बीत चुके हैं, इस गेम का भला फायदा ही क्या हो रहा है, इसे तुम बढ़िया कहती हो? नहीं। मालकिन, मालकिन सुनिए तो। क्या है? ये तो कमाल हो गया, अब सब ठीक चल रहा है। असल में क्या, टायलर का टीना से झगड़ा हुआ है ना? हाँ, और बहुत जल्दी वैसा ही होगा जैसा मैडम चाह रही है। खुशी मनाने की बहुत जल्दी है, जाओ पहले टायलर से बात कर लो। जैसा आप चाहते हैं मैडम। अकेले हो है ना? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी बहन ने भी। तुम यहाँ क्यों आई हो, मुझे बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ? नहीं, याद दिला दो कि तुम्हें जीतने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम सबसे मजबूत पार्टिसिपेंट हो और दूसरे लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे। तुम्हें बस अपनी एक टीम चाहिए जहाँ तुम हो के और कोई नहीं। तुम्हें पता है, तुम दोनों सही कह रही हो, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। अब मैडम खुश होंगी। और तुम कहाँ थे? गॉर्गन ने हमें इकट्ठा किया और तुम गायब हो। तू अपना काम कर। hey, तुमने टीना पर हाथ कैसे उठाया? लगता है उसने तुमसे सीखा है। ये झगड़े मुझे बहुत पसंद है। तो अब एक जरूरी सूचना आप सबके लिए, अब हमारे पास दो नहीं तीन टीमें हैं। क्या मतलब है तुम्हारा नए पार्टिसिपेंट्स? नहीं, तुम में से ही किसी एक ने अलग टीम बना ली है। ओह, तुम बेवकूफ। मैंने कुछ नहीं किया। फिर तुम? अबे शांत हो जा पागल लड़की, वो मैं हूँ। तुम मजाक कर रहे हो, कह तो ये मजाक है। नहीं, ये मजाक नहीं है। टायलर, तुम कैसे कर सकते हो, हम परिवार है। तुझे ये सब इसे बचाने से पहले सोचना चाहिए था।
बाहर में जाओ और हमारे कमरे में वापस मत आना, मैं तुम्हें बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं टाइलर को एक VIP कमरा दे दूंगी। चलो टाइलर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जरूर मैडम गॉर्गन। ये है तुम्हारा कमरा टाइलर, क्या तुमने सब तैयार कर दिया है? हाँ। तो फिर? अरे बाप रे, ये तो किसी हवेली की तरह है, मैंने तो ये सपने में भी नहीं देखा था। क्या ये सच में मेरे लिए है? मैं मजबूत और बहादुरों को महत्व देती हूँ और तुम बिल्कुल वैसे ही हो, क्योंकि तुमने अकेले रहने का फैसला जो किया है। ये तो कमाल ही हो गई, शानदार है। क्या बकवास है, उस आवारा को VIP रूम मिल गया यार, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तुम नाराज नहीं हो क्या? शांत हो जाओ किटी, टाइलर अकेला है, साथ ही टीना और जैक के पास कोई नहीं है और हम तीन हैं। अरे हाँ, हम उन सबको हरा देंगे। वो VIP कमरा हमारा होगा। अरे! क्या ये भी हमारे साथ रहेगा सूट में? मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं, हम उससे जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। चलो बाकी लोग भी आ ही गए। ये तुमने क्या किया? जैक रुक जाओ, आखिर तुमने हमको बांध के क्यों रखा है? तुम्हारे पार्टनर्स को पूल से चाबी निकालनी होगी, तुम्हें बचाना होगा और बीच पर उस झंडे की ओर भागना होगा, और जैसा कि तुम जानती हो कि हारने वाला पत्थर बन जाएगा। लेकिन मेरे पास दो कैदी हैं। क्यों, वो टाइलर नहीं आएगा क्या? वैसे टाइलर किसी को बचा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है वो किसी को ना बचाए पहले ही पहुँच जाए। चलो टाइम खत्म, गुड लक लूजर्स। एरियल जल्दी करो, वो तुमसे आगे है। तेज। अरे एरियल जल्दी करो, पहाड़ में जाओ। पकड़ लिया आप। मेरा क्या, रुक जाना, रुक जा। बहुत देर हो चुकी है, तुम हार गए। आखिरकार मेरे बगीचे में ये एक पहली मूर्ति आ ही गई। आशा है जल्द ही मेरा बगीचा मूर्तियों से भर जाएगा। मैडम, पता नहीं कहाँ से बेहूदी आवाजें आ रही हैं। मैडम, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। मैडम टाइम हो गया, टाइलर तैयार है। क्या पक्का? ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ उसे जल्दी लेकर आओ। क्या मजा आ रहा है यार, ओ ये बर्गर भी कमाल का है। आखिरकार जो मैंने चाहा था वो मैंने पा लिया है, मैंने सबको हरा के ये अमीरी हासिल कर ली है, मैं तो कमाल का हूँ। टाइलर, मैं तुम्हारी लाइफ नरक बना दूंगी। तू यहाँ पे कैसे आ गई? चुपचाप अपने गरीब वाले कमरे में जा। तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। क्योंकि तू गरीबों की तरह सोचती है और मैं अमीरों की तरह सोचता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तो अब तुम बिल्कुल नहीं रुकोगे? क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि बाकी पार्टिसिपेंट्स मूर्तियां बन जाएंगे? मैं मूर्ति बन जाऊंगी। हाँ, मुझे परवाह नहीं। हम तुम्हारे लिए आए हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हमें कोई परवाह नहीं, मैडम इंतजार कर रही है। लेकिन घोटाले के बारे में क्या? मैडम हम इसे ले आए हैं। आखिरकार तुम आ गए मेरे प्यारे टाइलर। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें सब पसंद नहीं, मेरे प्यारे बेटे? आपका बेटा? पर कैसे? जब तुम पैदा हुए थे तभी यह हंट शुरू हुआ था, लोग गॉर्गनों से डरते थे, इसीलिए मुझे तुम्हें एक नॉर्मल परिवार में छिपाना पड़ा था, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो और हम साथ में हैं। तो इसका मतलब मैं ही गॉर्गन हूँ, पर मैं तो उसके जैसा दिखता ही नहीं हूँ। गॉर्गन तैयार होने पर बदल जाते हैं, तभी उनका कैरेक्टर रिवील होता है। तो ये बात है, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं गॉर्गन हूँ। अब तुम्हारा असली रूप लेने का टाइम आ गया है। हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। ओ, तो तुम यहाँ पर हो?
बताओ इतनी परेशान क्यों हो टीना? टायलर बिल्कुल पागल हो गया है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन गॉर्गन के गुर्गे उसे खींच कर ले गए यहाँ से। तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, अब हम दोनों साथ बचे और साथ मिलकर खेल जीत लेंगे। तुम समझे नहीं, टायलर मेरा भाई है, उसने मुझे छोड़ दिया और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। टीना रोने की कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। ओहो, देखो तो कौन आया है, गरीब लड़की और मेरा बेवकूफ भाई। एरियल तुम तो बात ही मत करो धोखेबाज कहीं की। अरे नहीं, ये तो गॉर्गन है। कैसे हो दोस्तों? टायलर, तुम एक गॉर्गन की तरह क्यों दिख रहे हो? क्योंकि मैं क्रिस्टी का खोया हुआ बेटा हूँ। क्या? लेकिन ये नहीं हो सकता है, तुम मेरे भाई हो। नहीं, माँ ने मुझे शिकारियों से बचाने के लिए तेरे घर में छुपा दिया था, लेकिन अब मैं भी इस गेम को चलाऊंगा। लेकिन मेरा क्या, हम परिवार हैं। तू मेरे लिए मायने नहीं रखती, गरीब बेवकूफ लूजर। टीना, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। टीना उसे भाड़ में जाने दो, तुम्हारी फैमिली का अकेला वो मेंबर थोड़ी था। वो था, मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और मेरे पास केवल मेरा भाई था, जो कि मेरा कुछ नहीं निकला, मैं बस एक अकेली गरीब लड़की हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं। टीना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ड्रिंक पियोगी? क्या? मैं पूछ रहा हूँ, ड्रिंक पियोगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है मैं आता हूँ। हे भगवान, क्या जैक को मुझसे प्यार है? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई कम ऑन, हम परिवार हैं। ठीक है बोलो क्या करना है। तो चलो टीना और किट्टी को छोड़ें और हम खुद प्राइज जीतें, फिर हम ज्यादा अमीर बन जाएंगे। क्या बकवास है, ये तो धोखेबाजी है। तुमने अपनी बहन की बजाय गरीब लूजर को चुना? तो तुम प्यार में हो? मेरे भाई को गंदे भिखारन पर क्रश है। देखो मैं तुमसे गुस्सा था, मैं बस तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाना चाहता था और कुछ नहीं, और टीना का इस्तेमाल तो मैं बस तुमसे बैट जीतने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बेवकूफ, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, बस हुआ। मैं अब और नहीं रहूंगी, मैं किटी को सब कुछ बता दूंगी और फिर देखूंगी कि कौन किसे हराता है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जैक के साथ मिलकर तुम्हें छोड़ना चाहता था? क्या? मुझे पहले से ही लग रहा था वो बदमाश ऐसा ही कुछ करेगा। चलो उस परिवार को सबक सिखाएं और उनके खिलाफ एकजुट होते हैं। जी। तो चलो अब अगला गेम खेलने का टाइम हो गया है, चलो इन्हें नियम बताओ बेटा। बिल्कुल मम्मी। ओए सुनो बेवकूफों, तुम्हें 5 मिनट में मिया और अलाइज को पकड़ना होगा, और जो नहीं पकड़ पाएगा वो मूर्ति बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है ना टीना? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं बस गंदी भिखारिन हूँ जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या? तो तुमने मैंने सब कुछ सुन लिया है, ठीक है अपनी बहन के पास जाओ, मैं और किटी अब एक टीम में है। धोखेबाज, अपनी बकबक बंद करो और गेम शुरू करो। ये क्या है? लूजर, छोड़ो मुझे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अबे तेरी, चापर, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब हमको हमारा फर्स्ट विनर मिल गया है। नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे मुझे। टीना पकड़ लो इसे, पकड़ लो। अब क्या हो गया? तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने कितनी जल्दी ये कर लिया। और हमें मूर्ति मिल गई है। नहीं 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 प्लीज। तो चलो उसे बदल दो बेटा। भोरी खुशी के साथ। मेरे बगीचे में अब एक और मूर्ति बढ़ गई है, शाबाश बेटा। जैसी माँ वैसा बेटा। देख रहे हो कि आप बहुत अच्छे मूड में हैं मैडम। हाँ। तो हाँ सब ठीक चल रहा है, हम एक दिन की छुट्टी मांगना चाहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो,
मेरे बगीचे में अभी सिर्फ दो मूर्तियाँ हैं, जबकि यहाँ पांच आ जानी चाहिए थी और तुम छुट्टी मांग रही हो। लेकिन बाकी जीत गए। तुम्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें टेलीपोर्ट की पावर क्यों दी थी? ताकि तुम उन बच्चों से जाकर पकड़ी जा सको। सॉरी मैडम, हम सब ठीक कर देंगे। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मुझे अब एक और नई मूर्ति चाहिए। टीना सुनो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे से शुक्रिया की उम्मीद रखते हो तो तुम सपने देखते रहो। देखो टीना, ये सब सच नहीं है। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या बकवास है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। मैंने तुम्हें एरियल से बात करते सुना था। मैंने तो ये सब उससे बस इसीलिए कहा ताकि वो मेरा मजाक ना उड़ाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टीना, ओ झूठ मत बोलो। मुझे कभी यकीन नहीं होगा कि तुम जैसा अमीर आदमी मुझसे प्यार कर सकता है। जैच, तुम सही टाइम पर हो। तुम तो मूर्ति में नहीं बदले। ये कैसे हो सकता है? जो भी लड़का मेरी आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है, जब तक कि उसका दिल किसी और के ऊपर ना आ गया हो। ये तो कमाल हो गया, तुम प्यार में हो। क्या? टीना भागो यहाँ से। रुको, तो तुम्हें सच में मुझसे प्यार है? तुमने झूठ नहीं बोला? नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम मेरी कभी नहीं हो पाओगी, और फिर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मेरे दिल में कुछ होने लगा और अब मेरे पूरे दिलो दिमाग पर तुम ही छाई हुई हो। मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन चलो अब भागे। एरियल यहाँ क्यों बैठी हो? चलो भागते हैं यहाँ से। क्यों, प्राइस का क्या? अरे ये भूल जाओ, गॉर्गन पागल हो गए हैं और सबको पत्थर में बदलना चाहते हैं। और मैं बदलूंगी। हमारे साथ तुमने क्या चाल चली हम जान गए। अब तुम्हारा ये खेल दो मिनट भी नहीं टिकने वाला। अपना तो नहीं है, मस्त कपड़े पाते रहे, लड़कियों को पटाते रहे। हाँ बेटा। और अब मैं भी प्यार में हूँ। पर हमारे पास एरियल है। टाइलर, मैं समझती हूँ कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन हम एक परिवार थे। टाइलर, उसकी बात मत सुनो। याद करो कि हमने एक दूसरे की मदद कैसे की। गुंडों से दूर भागे और एक दूसरे के साथ हमने खाना बांटा था। क्या इसके लिए तुम्हारा कोई मतलब नहीं है? टाइलर, एरियल को जल्दी बदलो। भागो। क्या? अबे भाग जाओ। नहीं, अरे सोचा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। हेलो। तो बहुत वक्त के बाद हम लोग मिल रहे हैं और हमने पिछले ब्लॉग में कुछ वादा किया था। हम क्या क्या वादा किया था? हमने वादा किया था आपके और हमारे कोलैबोरेशन का। उम्मीद है भूलेंगे नहीं और कमेंट्स में अपने आइडिया लिखना जारी रखेंगे। स्टोरी पर भी, स्टोरी पर स्टोरीज भी चलेंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमने इसे बनाया, वैसे मैंने वहाँ आपसे एक सवाल पूछा था, मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। हाँ। ये वीडियो कौन से टीवी या सीरियल पर बेस्ड है? हमने इसे थोड़ा सा बदल दिया है। हमारे पास खूबसूरत गोरगोन लड़की और गोरगोन लड़का है। हाँ, और हमें नया गोरगोन मिला है। आप टाइलर के कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? अभी तक उसे ऐसा रोल नहीं मिला है, तो आप हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और टाइलर, तुम्हें रोल पसंद है? खैर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना चश्मा उतार दिया है, क्योंकि ये मुझ पे काफी कूल लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बात के लिए बचाऊं, तो बस इसलिए मैंने। हाँ, सच में इसका लुक बहुत ही बढ़िया था। अगर मैं सच कहूं तो टाइलर का लुक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और इसमें काफी स्नेक्स भी। हाँ, लेकिन सांप यहाँ पे हैं, ये काफी कूल लगते हैं मुझे, मुझे सब पसंद है। अगर आपको टाइलर का लुक पसंद आया तो नीचे कमेंट में लिखिए, शायद वो दोबारा ऐसे ही दिखे। टाइलर आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, और टाइलर के लिए कोई सजेशन होगा तो वो भी दे दीजिए कमेंट में। टाइलर, अब हर कोई ये पूछ रहा है कि नया ट्रैक कब आएगा। तो गाइस, मुझे काफी खुशी हुई अपने आप को गोरगोन के रूप में देखकर, और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, जानते हो किसे? सुपरमैन को। नहीं नहीं नहीं, सही कहा, गोरगोन को। इसका मतलब मुझसे है। थैंक यू टाइलर, इसका इंतजार कर रहे हैं। और पूरे के पूरे ट्रैक में सिर्फ सांप की आवाजें होगी ऐसे। नहीं नहीं, इससे मजा नहीं आएगा। और बीजी में हमारी आवाजें भी तो है हंसने वाली।
नहीं तो लड़कियों, असल में तुम बस इसको असिस्ट कर रहे हो, ट्रैक तो मेरे बारे में होगा। अरे दोस्तों सुनो, इस गाने के लिए लिरिक्स लिख देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी एक तरह का कोलैबोरेशन ही होगा, समझ गए ना मेरे बात। और मैं तुम्हारे सर पर सांप रखूंगा, फिर उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं। ये सटक गया, इसको छोड़ो, आप लोग कमेंट में लिखो और हम करेंगे। हाँ तो अपनी आइडियाज हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, हमें आपके रिस्पांस का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा। बिल्कुल तो अब वक्त हो चला है, देखो एरियल, देखो तुम तो चुप ही रहो, धोखेबाज कहीं की। क्या इतना डरावना काफी है? बढ़िया, पोर्टल पर आपका स्वागत है। हम बाकियों से तेज। अबे उड़ गई, पकड़ो, अरे बांधो यार इसको, उड़ जाती है बार बार, बांधो इसको अच्छे से। अरे इतनी हवा है गई। हमने जैक को बचाया, उसको खाना दिया और छोटी बच्ची हो क्या? कोशिश करते हो। हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हारा ना। क्या हुआ? सुनो हंसने वाले बेवकूफो, अबे सुन लो। तो मेरे बगीचे में सिर्फ 3 मूर्तियाँ हैं, लेकिन इतनी मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, इससे अच्छा तो। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो मूर्ख हूँ गंदी गरीब। भागो।